हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज आफ्टरनून में मुझे कुछ खाने का मन किया, जिसके लिए मुझे बहुत कुछ बनाना था क्योंकि उसका सारा इंग्रेडिएंट ख़त्म था। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बना रही हूँ इमली की मीठी वाली चटनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक गिलास के अराउंड पानी लिया है, उसमें दो बड़े गोले मैंने गुड़ के डाले हैं और थोड़ा सा शुगर डाला है। अब मैं इसे इतना बॉईल करूंगी ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल हाफ हो जाए, तभी ये थिक होगा। शुगर भी अच्छी खासी क्वांटिटी में डालना होता है। तो ये इमली की जो चटनी है मैं बना के फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ, और मेरे पास इमली नहीं था, इमली का ये पेस्ट रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं यही डाल देती हूँ। ऐसे तो इमली से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है एज़ कम्पेयर टू दिस पेस्ट, लेकिन मेरे पास अभी यही अवेलेबल था तो मैं यही पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ इसमें। और इसे ऐड करके अच्छे से हम लोग थोड़ी देर के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स तक के लिए, ताकि इसका पानी जो है थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे इमली की चटनी मेरी बन रही थी, साथ साथ मैं इसको बॉईल करने के बाद मैं इसको फ्रिज में लंबे टाइम तक, 1-1.5 महीने तक तो कम से कम स्टोर करके रखती हूँ। मुझे सच बता रही हूँ, इमली की चटनी बहुत अच्छी लगती है हर चीज़ के साथ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च डाल दिया, हल्का सा तीखा टेस्ट भी आना ज़रूरी है, हल्का सा लाल मिर्च के साथ इसे बॉईल करूँगी। और अभी भी मैं देख रही हूँ बॉईल होते होते थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये उसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी थिक नहीं हुई है, तो इसे थिक होने तक के लिए और थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे। और ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा लूज ही रखना है, क्योंकि अगर ठंडा होगा तो और ज़्यादा थिक होगा। और इसमें फिर मैंने ऐड किया यहाँ ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट ऐड करने के बाद इसमें उफान आता है। तो ये ब्लैक सॉल्ट क्यों ऐड करना है, सिर्फ मीठी मीठी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, अगर कोई भी ज़्यादा मीठी चीज़ में आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी नमक ऐड करेंगे तो उसके खाने के बाद आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ, और भी ब्लैक सॉल्ट मैंने ऐड किया है। ब्लैक सॉल्ट से होता क्या है, थोड़ा सा और टेस्ट भी अच्छा लगता है। और यहाँ मैं होममेड बैटर से इडली बना रही थी, तो ये इडली भी उसी का इंग्रेडिएंट, उसी डिश का एक हिस्सा है जिसके साथ मैं ये सब चीज़ें यूज़ करूँगी। तो यहाँ एक साइड में चटनी बन रही थी और एक साइड में मैंने इडली बॉईल होने के लिए रख दिया था, और बिल्कुल होममेड बैटर का है जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पर शायद डाली है, मैं नॉट श्योर। लेकिन यहाँ पर चटनी देखिए ऑलमोस्ट बॉयल हो चुकी है, और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और ठीक होगा, तो इसलिए मैं यहाँ गैस फ्लेम बंद कर देती हूँ। और शायद मैं मसाला प्रिपेयर करूँगी उसका, उसके लिए मैंने लिया है धनिया, और यहाँ पे जीरा साबुत, दोनों चीज़ें साबुत मैंने ली है, और कुछ लाल मिर्चें। तो इसे हम अच्छे तरह से हाथों से रोस्ट करेंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे क्या होगा, वो जल जाएगा लेकिन अंदर से वो सुगंध जो आता है जो रोस्टेड का वो नहीं आएगा। तो ये मसाला भी मैं बना के हमेशा रखती हूँ, इसका बहुत तरह से यूज़ होता है। और देखिए चटनी एकदम ठंडी होकर थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, और इसे मैं रख देती हूँ और ठंडी, बिल्कुल जब मैंने वहाँ से स्टार्ट करा था पानी लेके, और कम होके इतना हो गया है, और ये जब ठंडी हो जाएगी तो भी मैं इसे स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी। और इधर एक साइड में मसाले भून रहे हैं, और मैं देख रही हूँ वीडियो में मैं कितनी प्रो हो गई हूँ, मैं हाथों से गरम तवे के मसाले को चला रही हूँ। और शादी से पहले यही सब चीज़ें मुझे कितनी डरावनी लगती थी कि हाँ अभी देखिए मैं कितनी प्रो हो गई हूँ। होता है समय समय का टाइम होता है कि हाँ मतलब वो एक्सपीरियंस आ जाता है तो सब चीज़ें आसान लगने लगती है। तो यहाँ मैं इस चटनी को इस बोतल में स्टोर करके रखूंगी, और ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं, और थोड़े से ब्राउन उससे ऊपर और ब्लैक से नीचे ऐसा वाला शेड है। तो अब हमें गैस फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, जब ठंडे हो जाएंगे तभी इसे ग्राइंडर में डाल के मैं करूंगी। और यहाँ मेरा इडली भी बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, और इडली गर्मा गर्म है। और कभी भी गर्म सांची में से इडली को तुरंत नहीं निकाले, आप कभी भी अगर सांची में से गर्म गर्म इडली को निकालेंगे बाहर तो वो क्रैक कर जाएगा, टूट जाएगा, कुछ चिपका रहेगा, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए उसे निकाल के बाहर ठंडा होने के लिए रख दे। और यहाँ मसाले भी बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो इसको एकदम ड्राई ग्राइंडर में डाल के पल्स मोड पे चलाते हुए इसका हम लोग एक पाउडर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा बारीक पाउडर तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ही रहेगा और पल्स मोड ही यूज़ करें, क्योंकि अगर ग्राइंडर गर्म हो गया तो उसके बाद वो थोड़ा बहुत चिपक जाएगा ग्राइंडर में, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग को ग्राइंडर को पल्स मोड में। और यहाँ मुझे चोट लग गई जल्दबाजी के चक्कर में काम करने में
कोई बात नहीं, होते रहता है, बड़े बड़े खतरों से खेलना पड़ता है। फिर यहाँ पे ग्राइंडर को इधर उधर से मैंने देखा, पूरा ओपन हो गया था, और इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ इस वॉशर को किधर से घुसाना है। फिर मैं इसे ग्राइंड करने चली गई, फिर फटाक से ग्राइंड करके वापस आ गई तो यहाँ ग्राइंड हो चुका था और बिल्कुल दरदरा सा हमें इसे पीसना था और ये दरदरा सा हो गया है। और ये इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है, आप जब तक यूज़ करते रहेंगे और ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये मैं रायते में यूज़ करती हूँ, बूंदी का रायता, जो भी रायता बना रहे उसमें फटाफट, या खीरे का रायता, ये सब चीज़ में बहुत यूज़ होता है। मुझे तो रायता पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं हमेशा ये बना के रखती हूँ। और वही कंटेनर में मैं फिर से इसे टर्न ओवर कर दे रही हूँ जिसमें पहले था, और थोड़ा सा मेस हो गया मेरे से, ये ज़्यादा काम फैल जाता है यार। फिर उसके बाद इडली भी बन के ठंडी हो गई थी, और यहाँ पे देखिए मेरे बैटर बनाए हुए बैटर से कितनी सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली रेडी हुई है, एकदम सॉफ्ट, एकदम स्पॉन्ज लाइक का कॉटन है। और यहाँ पे मैं क्या बनाने जा रही हूँ, अब उस सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इडली को सैंडविच शेप में काट दिया है, सैंडविच का, और यहाँ मेरे पास पीनट चटनी थी तो मैं उसे स्प्रेड करूँगी सबसे पहले इडली के ऊपर, उसके बाद उस पर डालूँगी ये प्रिपेयर किए हुए मसाले, और उसके बाद थोड़ी सी अभी जो हमारी चटनी है वो अभी गर्म है तो थोड़ी सी लूज़ है, अगर ठंडी होगी तो और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो उसके बाद मैं इसमें मीठी चटनी डालूंगी, और ये बन गया हमारा चटकेदार इडली सैंडविच। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं स्कूल टाइम से खाती आ रही हूँ, जब मैं छोटी थी तो हमारे घर के पास ये बेचने आता था, मुझे बहुत टेस्टी लगता था, तो मुझे बीच बीच में उसकी क्रेविंग होती है तो मैं ये बना के खाती हूँ। बहुत अच्छा ये भी टेस्ट आता है, इडली से थोड़ा हटके लगता है। तो ये ख़त्म हो गया, तो उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा।